असलमेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में इसको अंडरस्टैंड करना है क्लियर तो एनी हाउ वट इज़ लिटरेचर रिव्यू जैसा कि आप नेम देख रहे हैं रिव्यू दोबारा से पढ़ना रिव्यू करना दोबारा से देखना देखना किसको लिटरेचर को बिल्कुल तो लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है हम लिटरेचर को दोबारा से देखते हैं एंड लिटरेचर क्या होता है वो नॉलेज जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो ठीक है हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को दोबारा से देखते हैं और क्यों देखते हैं फॉर द सेक ऑफ ओवर रिसर्च दोबारा से सर्च करने के लिए रिसर्च करने के लिए सो वी कैन से दैट A literature review is a search and evaluation of the available literature in your given subject or chosen topic area. It documents the state of the art with respect to the subject or topic you are writing about. अब इसमें क्या आता है कहते लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक सर्च है इवेल्यूएशन है किसके बारे में जो आपने टॉपिक चूज किया है जो आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के रेलिवेंट जब आप लिटरेचर पढ़ते हो इंफॉर्मेशन गैदर करते हो नॉलेज गैदर करते हो दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू अब जी लिटरेचर रिव्यू क्या है क्लियर हो गया इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मतलब क्या गोल है इसका कहते बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है इसके फोर है जिसमें नंबर वन पे सर्वे करना नंबर टू टू पर सेंथिसिस करना देन है क्रिटिकल एनालिसिस करना फिर उसके बाद प्रेजेंट करना सर्वे हम किसका करते हैं सर्वे हम जो हमने हमारा चूजन टॉपिक होता है जो हमारा चूजन एरिया ऑफ स्टडी होता है हमने उसके अंदर जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है जितना भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसका हमने सर्वे करना है उसको हमने देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं जी होमी के भाभा आपने डायस्पोरा की थेरी अप्लाई करनी है किसके ऊपर जी फंडामेंटलिस्ट के ऊपर लेकिन ये अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि किसी ने इसके ऊपर ये काम तो नहीं किया हुआ ठीक है मतलब आपने एक टॉपिक कर लिया आपने करने के लिए अब गैप देखना है कि इसके तो अंदर गैप है तभी आप इसके ऊपर काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया आपने होमी के भाबा ले लिया आपने इलेक्ट्रिक फंडामेंटलिस्ट की बुक भी ले ली अब आप सर्च कर रहे हो तो आपने देखा इसके ऊपर डायस्पोर पर भी काम हुआ हुआ इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर भी काम किया हुआ है लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस पर भी काम हुआ है इसके ऊपर अमेरिकनस के ऊपर भी काम हुआ है क्या चीज इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो थ्रू एंड थ्रू आपने सर्च करनी है फिर सर्च करने के बाद आपके सामने आज के हाँ कि ये टॉपिक है ये थेरी है इसके ऊपर इसके ऊपर काम नहीं हुआ इस सब्जेक्ट पे तो वो क्या हुआ आपने गैप फाइंड आउट कर लिया और वो गैप कैसे फाइंड आउट किया सर्वे करके और जो लिटरेचर रिव्यू है इसका मेन पर्पस ही यही है टू फाइंड आउट द गैप और यही इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स भी है कि टू फाइंड आउट द गैप एनी हाउ हमने ये किया हमने सर्वे किया सर्वे करके जी हमें पता लग गया कि जिस टाइम पे मैं रिसर्च कर रही थी मैं उस टाइम की बात करती हूँ चलो ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा समझाना आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझना जिस टाइम पे मैं रिसर्च कर रही थी मैंने उस टाइम पे नॉवल लिया था द रिलटेंट फंडामेंटलिस्ट उस टाइम पर मैंने ना थेरिस्ट लिया होमी के बाबा ठीक है अब मैंने इतना सर्च किया इतना सर्च किया मैंने कहा इसमें तो ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है तो तब मुझे पता लगा कि उस टाइम पे किसी ने भी डायस्पोरा के ऊपर काम नहीं किया हुआ था ठीक है वो जो मैंने इतना पढ़ लिया मैंने 24-25 आर्टिकल पढ़ लिए पता नहीं मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली कितने क्रिटिक्स के रिव्यूज पढ़ लिए सब कुछ पढ़ लिया ना वो क्या था मेरा लिटरेचर रिव्यू हो रहा था उनमें मैं सर्वे कर रही थी ठीक है जब मैंने वो सर्वे कर लिया जी पता लग गया डायस्पोरा पे काम नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये मेरा गैप था यानी कि जो लिटरेचर के अंदर गैप होता है गैप कहते हैं वो चीज़ जिसके ऊपर किसी ने काम ना किया हो, और ये पता कैसे लगता है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही पता लगता है अब फिर मैंने क्या किया जी इट सेंथसेज द इंफॉर्मेशन इन दैट लिटरेचर इन टू अ सामरी हमने ये किया जी जो जो हमने सर्च किया उसको एक सामरी की फॉर्म में बता दे कि मैंने ये भी देखा ये भी देखा ये, देखा, ये भी देखा इसमें ये ये काम हुए हुए थे लेकिन उसके बाद क्या किया मैंने क्रिटिकल एनालिसिस फिर हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है लिटरेचर रिव्यू का जिसमें क्या होता है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन करंट नॉलेज बाय शोइंग लिमिटेशंस ऑफ थ्योरीज एंड पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद एंड बाय फॉर्मुलेटिंग एरियाज फॉर फर्दर रिसर्च एंड रिव्यूइंग एरियाज ऑफ कंट्रोवर्सी कि जी हम बताते हैं हम क्रिटिकली बताते हैं कि हाँ ये ये काम हुआ हुआ है लेकिन इसके ऊपर गैप है और ये गैप किसी ने फिल नहीं किया हुआ आई एम हेयर मतलब मैं यहाँ पे उस गैप को फिल करने के लिए और मैं उस गैप के ऊपर काम करने के लिए जा रही हूँ आप क्या हो गया जी रिसर्च मेरी तैयार है मतलब मेरा टॉपिक तैयार हो गया प्रॉपरली फिर उसके बाद क्या करते हैं प्रेजेंट्स इट प्रेजेंट्स द लिटरेचर इन एन ऑर्गेनाइज वे फिर जो लिटरेचर है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है ये फोर मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं लिटरेचर रिव्यू के क्लियर हो गया आपको ये एम सी क्यूज पर भी आता है कि कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं फ़ोर हैं और कौन कौन से सर्विस सिंथेसिस और उसके बाद है क्रिटिकली एनालिसिस फिर है प्रेजेंट्स फिर ऑब्जेक्टिव के बाद पर्पस क्या है पर्पस इसका है कि आपको एक टॉपिक रेलिवेंट जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा से नॉलेज मिल जाए प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज ऑन अ टॉपिक ठीक है है और क्या होता जी इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेशन से बचने के लिए जो एरियाज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि अगर डैशपोरा पर मैं भी काम कर लेती तो इसके ऊपर तो किसी ने भी काम किया होता पहले फॉर एग्जाम्पल तो इसका मतलब क्या है वो डुप्लीकेशन आ जानी थी लेकिन जिस टाइम पे मैंने काम किया उस टाइम किसी ने काम नहीं किया हुआ था तो डुप्लीकेशन नहीं हुई और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी का भी कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो फॉर कोई भी रेफरेंस के लिए बात करें सके होमी के बाबा ने यह कहा ठीक है मैंने फ़लाँ रिसर्च पढ़ी थी उस रिसर्च पेपर के ऊपर उस रिसर्चर ने यह कहा तो वहाँ पर हमने जो रिसर्चर है उसको क्रेडिट देना होता है किस तरह देना होता है साइटेशन के थ्रू रेफरेंस के थ्रू तो सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन एंड गिव क्रेडिट टू अदर रिसर्चर्स कि यहाँ पे अदर रिसर्चर्स हैं उनको भी क्रेडिट दिया जाता है और डुप्लीकेशन से बचने के लिए ट्रेचर किया जाता है फिर है आइडेंटिफाई इनकन्सिस्टेंसीज जो इनकन्सटेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे कि रिसर्च के अंदर गैप उसके बाद कंफ्लिक्ट जो था प्रीवियस स्टडीज के अंदर फिर ये जो गैप फाइंड आउट करके कन्फ्लिक्ट बता के फिर क्या होता है हम इस लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो क्वेश्चन हैं उन पे काम करते हैं जैसे कि इट ओपन क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम अदर रिसर्च ठीक है तो अब क्या हो गया पॉइंट पॉइंट नंबर वन है जी ये गैप इन रिसर्च उस इनकन्सिसी को देखता है फिर कन्फ्लिक्ट जो प्रीवियस स्टडीज में उसको देखता है और इसका अदर पर्पज़ क्या है ओपन क्वेश्चन लेफ्ट फ्रॉम अदर रिसर्च ये नेक्स्ट है इसके बाद है जितनी भी एडिशनल रिसर्च है जो आपकी रिसर्च को आइडेंटिफाई करे जस्टिफाई करे उसको ये आइडेंटिफाई करता है आइडेंटिफाई नीड फॉर एडिशनल रिसर्च जैसा कि जस्टिफाइंग अपनी रिसर्च अपनी को जस्टिफाई करने के लिए जो आपको एडिशनल रिसर्च रिक्वायर्ड होती है ये उसके अंदर भी आपकी हेल्प करता है फिर आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ वर्क इन कॉन्टेक्सट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द टॉपिक एंड द अदर वर्कस फिर है प्लेस योर ऑन रिसर्च विद इन द कॉन्टेक्स ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर मेकिंग अ केस फॉर वाई फर्दर स्टडी इज नीडिंग इसमें क्या बताया जाता है जी कि आपने रिसर्च की आपको गैप मिला उस गैप के ऊपर आपने काम किया काम करके आपने अपना भी जो नॉलेज था एग्जिस्ट कर रहा अपना कंट्रीब्यूशन दिया और वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्यों दिया क्योंकि जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था उसमें गैप था उस गैप को फिल करने के लिए आपने अपना काम किया ठीक है तो वो गैप फिल हो गया इस तरह से जब कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन दोबारा कभी आएगा वो आपका वर्क पड़ेगा और उसको आपके वर्क के अंदर कोई गैप को नज़र आया तो वो उसके ऊपर काम करेगा ठीक है तो ये पर्पज होता है लिटरेचर रिव्यू का अब इसकी करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हेल्प आउट होती है क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर हमारी जो है वो वेल थॉट और वेल आइडिया जो प्रेजेंट किए जाते हैं ये वर्ड प्रेजेंट है प्रेजेंट वेल थॉट आइडियाज क्लियर इज जस्टिफाइड विद एविडेंस इसके अंदर भी हेल्प आउट करता है लिटरेचर रिव्यू और ग्रामेटिकल एरर स्पेलिंग मिस्टेक् से भी बचने में हमारी हेल्प करता है और हम लोगों को चाहिए कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो कोई ऑब्सक्योर आइडियाज़ ना हो कोई बोरो आइडियाज़ ना हो आइडियाज़ जो भी हो उसमें न्यूनेस हो न्यूवलिटी हो क्योंकि अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करते फिर हम हमारे आइडियाज़ न्यू नहीं होते जब लिटरेचर रिव्यू करते तो ऑटोमेटिकली हम न्यूल्टी या फिर न्यूनेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसमें कोई भी हम इ रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन ना लिखें इसलिए भी हमारी जो लिटरेचर रिव्यू है हम करते हैं इससे हमारी हेल्प होती है और, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब ये सारा कुछ पॉइंट्स होंगे तो हमारी जो समरी एंड कंक्लूजन है वो भी इफेक्टिव होगा ठीक है अब इस करेक्टरिस्टिक्स के बाद बात है प्रोसेस की करना कैसे है एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया ये प्रोसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको फिर उस, उस पर कि हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हमने सर्च करना है और लिटरेचर को चूज करना है ठीक है सर्च करना शुरू कर दिया कि जो लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में और हमने गैप फाइंड आउट कर लिया फिर हमने एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है लिटरेचर को हमने जब एनालाइज भी कर लिया इंटरप्रेट भी कर लिया गैप मिल गया फिर हमने उसका रिव्यू करने के बाद हमने रिव्यू राइटिंग शुरू कर देनी है ठीक है ये प्रोसेस था लिटरेचर रिव्यू का और उसके अंदर हमने पता है कि मैं इस टॉपिक पे इसलिए रिसर्च करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर ये ये मटेरियल तो मिला लेकिन ये जो मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल है रिक्वायर्ड डाटा है वो इस पर नहीं मिला इस पर किसी ने भी काम नहीं किया हुआ दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू डू वर्क ऑन दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक ठीक है दैट्स ऑल तो अगर पूछा जाए आपसे इन सिंपल वर्ड्स के जो लिटरेचर रिव्यू है उसका मेन पर्पस क्या है मेन फंक्शन क्या है मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सब कुछ तो वो यही है टू फाइंड आउट द गैप गैप को फाइंड आउट करना और फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना कंट्रीब्यूशन देके कुछ न्यूनेस इंट्रोड्यूस करवाना न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाना और हम जब भी कभी भी किसी के भी आइडियाज़ को करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस लाजमी देना और कभी भी नंबर वन तो कभी भी बोरोड आइडियाज़ नहीं लेने नई इन्फॉर्मेशन देनी है जब नई इन्फॉर्मेशन देंगे और वहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए जब रेफरेंस डालेंगे तो जिस बंदे का किस जिस रिसर्चर का जिस स्कॉलर का हम लोगों ने वहाँ पर पॉइंट शेयर किया है उस जगह पर उसका नेम लाजमी साइट करना है किसी के भी वाक्य ऊपर अपना नाम लिख के अपनी अथॉरिटी नहीं शो करानी क्लियर तो दट ऑल आई होप कि आपको लिटरेचर रिव्यू क्या होता है समझ लग गया होगा कि रिव्यू करना दोबारा से देखना लिटरेचर को फॉर द सेक ऑफ रिसर्च रिसर्च और research किस चीज़ की जो आपका टॉपिक है उस चीज की तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा कमेंट में अपना व्यू भी लाजमी शेयर करिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दुआओं में खास याद रखिएगा स्टे टेक केयर